गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा ये फिफ्थ चैप्टर है स्कूल्स आउट हाई एडवेंचर, यानी कि स्कूल ख़त्म होने के बाद जो एडवेंचर होते हैं उसका बड़ा लेवल दिखा रहा है। ये राइटर बताता है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं ये फ्लू लिखा हुआ है, फ्लू नहीं है, फ्यू होगा, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, जैसे समर वेकेशन आती है तो सभी सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, है ना, छुट्टियों के लिए, कोई कहीं घूमने की सोचता है, कोई कहीं जाने की सोचता है। तो राइटर ये अपने बारे में बता रहा है कि सबने अपना अपना एक सीक्रेट प्लान किया हुआ था कि हमें क्या क्या, सबके एक्साइटमेंट थे तो सबने क्या किया था, मतलब अपने अंदर छिपा रखे थे। तो वो कह रहा है कि मुझे जो है ना टीचर से कभी जलन नहीं होती, टीचर से की पोजीशन से, उसकी मतलब जो पोजीशन है उससे जलन नहीं होती। जलन को क्यों कह रहा है, जलन तो साथ वालों से होती है, लेकिन वो इस जगह क्यों कह रहा है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टीचर से कूदते हैं कि ये हमारी मैम हमें डांटती रहती हैं, ये करती रहती हैं। वो इसलिए कह रहा है कि देखो ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे क्लास को हैंडल करना टीचर के लिए, एक पूरा भरे हुए बच्चों को, इतने सारे बच्चों को जो अलग अलग जगह से आए हुए होते हैं, अलग अलग दिमाग के होते हैं, उनको हैंडल करना, उनके माइंड में निगेटिव थाट्स बनना, जो उनको पसंद भी नहीं होती है वो वाली थाट्स बनना, यानी कि जब बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उनको फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ाना, उनको समझाना, वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं टीचर की पोजिशन जो है उससे कभी भी बुरा नहीं मानता हूँ, उसको अच्छे से सुनता हूँ। फिर वो कह रहा है कि जैसे छुट्टियाँ आ रही थी तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सीक्रेट प्लान किए हुए थे, तो मैंने घर पर अपने जो पेरेंट्स थे उनसे डिस्कस करनी शुरू कर दी कि मुझे अपने एक उसका कज़िन था निखिल के उसके पास जाना है। तो घर वाले मुश्किल से माने लेकिन मान गए, कुछ दिनों की मेहनत के बाद घर वाले मान गए और उसको उसके कज़िन के पास भेज दिया। उसके अंकल और आंटी भी एग्री हो गए उसको बुलाने के लिए, उसने छुट्टियों उन्होंने टिकट करवाए और टिकट के साथ ही उसकी छुट्टियाँ हो गई, मतलब जैसे स्कूल की छुट्टी हुई वो फ़ौरन ही चला गया। वहाँ पर जाकर उसके जो वो था सॉरी उसका जो कज़िन था निखिल, उसने वो उसको एक प्रॉमिस कर रखा था कि वो उसको पार्टी देगा। उसके जैसे वो ट्रेन में था तो उसको सॉन्ग आ रहा था, कैसी पार्टी, एडवेंचर पार्टी जो होती है, यानी उसको कुछ करवाने के लिए। तो उसके माइंड में सॉन्ग आने लगा, ये सॉन्ग की लाइन है जो एक राइटर है एलिस, उनका सॉन्ग है ये कि स्कूल्स साउथ फॉर समर, स्कूल्स आउट फॉर एवर, स्कूल्स बीन ब्लोन टू पीसेज, नो मोर पेंसिल्स, नो मोर बुक्स, नो मोर टीचर्स डर्टी लुक्स। ये एक सॉन्ग की लाइन्स हैं, तो वो जो उसके आने लगा और वो गुनगुनाने लगा साथ साथ। तो अब वो पहुंच जाता है अपने कज़िन के पास जो गोवाल्ड में है, एटलीस्ट अंत में वो अपने कज़िन के पास पहुंच गया जो गोवाल्ड में है, उनके बीच का नाम गोवाल्ड है। तो वो वहाँ पर बीच पर उन्होंने देखा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत समुद्र देखा, बीच देखा, वहाँ पर क्लीन एंड वाइट जो वहाँ का एरिया था यानी कि साफ़ सुथरा एरिया देखा, और पेड़ थे वहाँ पर जो कोन शेप में बने हुए थे, शेप में बने हुए थे। तो इसके अलावा और तो कुछ होता ही नहीं है बीच पर, उन्होंने ये चीज़ देखी, वो खुश हो गया उससे, और उसको फिर एडवेंचर के लिए और ज़्यादा मतलब कुछ सूझने लगा। उसने निखिल से कहा कि चलो अब हम कुछ करते हैं, तो उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। अब वो निखिल ने जो प्रॉमिस कर रखा था उसको पूरा भी करना था, तो उन्होंने क्या ठीक है हम एक मैंने हमारे यहाँ एक नया आइलैंड सॉरी आइलैंड सोचा है सुना है एक यहाँ पर आइलैंड है जिस पर कोई नहीं जाता, शायद वो इसलिए नहीं जाता होगा क्योंकि उसका नाम जो है वो थोड़ा डेंजर है, बूचर आइलैंड है उसका नाम, तो वो थोड़ा डेंजर है इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता होगा। तो अब हम वहाँ पर जाएंगे, हम अपनी नाव बनाएंगे। तो वो बीच पर जैसे वो बड़े रहते हैं गट्ठे, बड़े रहते हैं गट्ठे लकड़ी के, यानी लकड़ी के लोग जो होते हैं वो लॉक्स, वो पड़े रहते हैं लॉक्स गट्ठे बड़े बड़े, तो उन्होंने उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक जगह छिपा दिया। अब उनको जाना था, वो नाव बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उनको वो मार्केट जाते हैं, मार्केट से नाइफ लेकर आते हैं और रस्सी लेकर आते हैं जिससे वो लट्ठे छील सकें और काट सकें और रस्सी को काट सकें और रस्सी से उसको बांध सकें। वो लेकर आते हैं और लेकर आकर फिर वो बीच पर पहुंचते हैं और वो लगभग तीन घंटे की मेहनत के बाद एक नाव तैयार कर लेते हैं। नाव तैयार हो जाती है तो वो उसका वो कहता है जाने के लिए कि चलो हम अब जाने के लिए तैयार हैं। तो उसका कज़िन निखिल जो था वो किसका कज़िन, यानी राइटर का कज़िन, राइटर ये स्टोरी सुना रहा है अपने बारे में। तो राइटर का जो कज़िन था निखिल वो कहता है नहीं आज नहीं, अब हम कल चलेंगे, कल सुबह हम वहाँ पर निकलेंगे। तो घर पहुँचते हैं, घर पहुँच कर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे कि तो वो कामयाब हो गए थे अपने काम में। तो अब वो घर पे घर का काम करते हैं, अपनी मम्मी की भी हेल्प करते हैं, पापा का भी हेल्प करते हैं, वही सब काम करके यानी कि जाने के लिए तैयारी करते हैं। और उन्होंने अपने किसी भी मतलब ये जो एडवेंचर था उसकी भनक किसी को नहीं लगने दी। अब अगले दिन वो उठते हैं,
और उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब सुबह हुई और उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा दिन गुजरेगा आज हमारा, और वो नाश्ता करते हैं और नहाते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और लगभग 11 बजे वहाँ से निकल जाते हैं। और वो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जाते हैं कि उनको कोई देख ना ले, वो आगे पीछे देखते हुए बीच पर पहुँच जाते हैं और अपनी नाव को घसीट कर पानी में डाल देते हैं। और जैसे वो पतवार होते हैं ना जिससे नाव को चलाते हैं, उससे उसको वो हाथों में ले लेते हैं और वो समुद्र में चलना शुरू कर देते हैं, समुद्र में अपनी नाव में बैठकर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो समुद्र में बीच में पहुँचते हैं पानी में, जैसे हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और एकदम से आसमान का कलर चेंज हो जाता है, घटा आ जाती है, बहुत गहरी घटा, काली सिया घटा आ जाती है और आसमान का कलर कुछ अजीब सा हो जाता है, जिससे वो थोड़ा डर जाते हैं, उनका दिल थोड़ा सा डरने लगता है और उनको घबराहट होने लगती है। जो बारिश थी वो इतनी तेज़ हो जाती है और हवाएं इतनी तेज़ हो जाती है कि वो नाव चला रहे थे तो नाव को दूसरे रास्ते पर घसीट रही थी वो हवाएं, और वो इतना ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि वो जो बिजली चमक रही थी वो बिजलियाँ पानी में मिलकर उनके जो पानी से निकल रही थी, तो उनको ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ पर उनका अंत हो गया है, जो वो मतलब जाने की तैयारी कर रहे थे अब बस उनका यहीं पर अंत हो गया है, अब वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको ये डर लग रहा था। लेकिन वो थोड़ी सी देर में देखते हैं कि उनको मतलब घोर अंधेरा छा गया था, वो देखते हैं थोड़ी देर में कि वो बीच पर पहुँच गए। अब वो बीच पर जो पहुँच गए एकदम से वो बहुत ज़्यादा खुश हुए वहाँ देख कर, और उन्होंने वहाँ पर पहुँच कर देखा कि मतलब एक जादू सा हो गया कि वो जो तेज़ हवाएं और सब बिजली बिजली थी वो सब खत्म हो गई और रोशनी हो गई, वो घटा थी काली घोर अंधेरा जो था वो भी छट गया, बस वो ऐसा अंधेरा रह गया जैसे शाम के 4 बजे हो। अंदाज़ा ये था कि शाम के 4 बज गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि बस हम आधा घंटा यहाँ पर घूम कर और हम यहाँ पर से निकल जाएंगे, आधे घंटे बाद ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जैसे ही वो एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर, तो उन्होंने सुना कि उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, कुछ भारी भरकम सी उन्हें अपने पास से आवाज़ आती है, तो उनको लगा कि ये बीच केवल हमारा ही नहीं है, यहाँ पर कोई और भी है, यानी कि वो ये सोच रहे थे ना कि यहाँ पर बस हम अकेले हैं और हमने ही ये खोजा है, तो वहाँ पर कुछ और लोग भी हैं उन्होंने सोचा। फिर वो दीपक गए झाड़ियों के पीछे और वो बातें सुनने की कोशिश करने लगे, उस आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश करने लगे। वो जैसे उन्होंने सुना तो उन्हें आवाज़ आई, पता चला कुछ लोग बात कर रहे थे, और वो उनकी बातें सुनने के बाद उनको पता चला कि वो डेंजरस स्मगलर थे, वो लोग जो बात कर रहे थे वो वहाँ पर छिपे हुए थे और वो नेस्ट लूट मार की या कुछ स्मगलिंग की तैयारी कर रहे थे, वो पुलिस से छिपे हुए थे, वो प्लानिंग कर रहे थे अपनी नेस्ट, और उनको बहुत ज़्यादा मतलब अगर उनके रास्ते में कोई आता तो उसका वो मर्डर भी कर सकते हैं, वो ये सब प्लानिंग सुन रहे थे और सुनकर वो इतना ज़्यादा डरने लगे और उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उन्होंने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वो धीरे 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 रेंगते हुए वहाँ से अपनी नाव की तरफ पहुँचने लगे। तो जंगल का तो इलाका होता ही है वो थोड़ा सा, तो एकदम से बहुत आवाज़ तेज़ सी आती है जैसे कोई सूखी टहनी टूटी हो, एक जादू सा हुआ हो। तो उसने जो देखा तो पता चला उसका पैर एक लकड़ी पर पड़ चुका था और लकड़ी ने अपना जादू यानी कि अपना काम कर दिखाया था, यानी लकड़ी जब टूटती है उसकी आवाज़ आती है, वो आवाज़ उसने कर दिखाई थी। अब वो जो स्मगलर थे वो चौकन्ने हो गए, वो अलर्ट हो गए, वो अपने आसपास देखने लगे कि कौन था क्या था, क्योंकि वो तो छिपे हुए थे वहाँ पर, उनको लगने लगा कहीं यहाँ पर हमारे अलावा भी कोई है, वो आसपास देखने लगे। इतने में वो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो जब पहुँचे थे उन्होंने अपनी नाव एक खूटे से बांध दी थी, यानी लकड़ी के एक जो लकड़ी गड़ी हुई होती है उससे बांध दी थी। उन्होंने वहाँ से नाव खोली और पानी में को धकेली और धकेल कर उसमें बैठे और वो चलने लगे। जैसे वो जा रहे थे तो उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनका दिल इतना तेज़ तेज़ धड़क रहा है कि मानो वो निकल कर समुद्र में गिर पड़ेगा, इतना तेज़ तेज़ उनका दिल धड़क रहा था। लेकिन वो 3 घंटे के सफ़र करके वो अपने बीच पर, जो उनका बोरिंग बीच था गोवाल्ट बीच, वो उस पर पहुँच गए। वहाँ जाकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि वो सेफली वहाँ पर पहुँच चुके थे, उन्होंने वहाँ पर सुख की सांस ली। यानी कि जब हम कुछ घबरा जाते हैं और हम कहीं सुकून की जगह पहुँचते हैं हमारा सुख का सांस आता है, तो वो उन्होंने सुख की सांस ली और वहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने मतलब अपने दिल को संभालते हुए वो घर पहुँचे, अपने आप को इतना नॉर्मल जाहिर करते हुए कि किसी को कोई बात का पता नहीं चल जाए। और इस सीक्रेट के बाद, ये सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया। और इस सीक्रेट के बाद वो एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आ गए कि अब हम मतलब दोनों का एक ही सीक्रेट था, वो उससे और ज़्यादा करीब आ गए। उन्होंने वहाँ पर घर पर जाकर सुकून लिया और रात की सुकून की नींद ली। सुकून की नींद लेने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि अब हम उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कल पुलिस स्टेशन जाकर लोकल पुलिस को, सुबह ही लोकल पुलिस को हम इन्फॉर्म कर देंगे, उन डेंजरस लोगों के बारे में बताएंगे कि वो वहाँ पर बुचर आइलैंड पर छिपे हुए हैं, और जिससे वो उनको पकड़ सके पुलिस और वो वहाँ पर फिर सही हो जाए सब कुछ।
आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, आपकी समझ में आ गई, जो नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट जो ये वर्क है एक्सरसाइज ही हम कल करवाएंगे। अल्लाह हाफिज़।